ले आएंगे ना। एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम सब भी ठीक है। और आज है कौन सा डे है मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि ना मैं डे हमेशा मिस कर जाती हूँ। और आज है मंडे, ठीक है। ये मंडे का व्लॉग है और यहाँ पे ना मैं और बच्चे तीनों मिलकर हम लोग लगे थे कि रूम को थोड़ा सा मैं लुक चेंज करूँ रूम का, क्योंकि ना दो रूम है और इसमें ना सामान ढेर ज़्यादा हो गया है। तो मैं सोच रही थी कि इधर उधर से थोड़ा सा कुछ चेंजिंग करूँगी तो रूम थोड़ा परफेक्ट लगेगा, अच्छा लगेगा। तो इसीलिए ना मैंने जो मेरा ट्रंक है ना उसको मैंने खाली कर दिया है। और ये जो आप पीछे का स्पेस देख रहे हैं ना, वहीं पे ट्रंक था मेरा। तो मैं वहाँ पे सोच रही थी कि जो मेरा कूलर है वो अभी काम उसका नहीं है, तो मैं उसको वहाँ पे शिफ्ट कर दूँगी। और जो वॉशिंग मशीन है ना उसको भी वहाँ पे शिफ्ट करूँगी, क्योंकि वॉशिंग मशीन में जब कपड़े धोने होते हैं ना तो फिर उसको लाओ फिर ले जाओ तो अच्छा नहीं लगता था, मेहनत ज़्यादा लगता था। और इस वजह से ना कपड़े में मशीन में धोना ही बंद कर दी थी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो करके देखते हैं। तो बट मैंने किया ना तो बिल्कुल भी कोई लुक चेंज नहीं हुआ, और परेशानी तो हुई ही हुई। और मैंने ना दो रूम क्लीन कर लिया है, जो दीपावली के लिए साफ़ सफाई होती है ना वो पूरा हो चुका है। बस मेरा किचन बाकी है, जो मैं फ्राइडे को करूँगी। तो ब्लॉग आप मिस नहीं करना चाहते हैं ना तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ पे देखिए, इस तरह से मैं थोड़ा सा इसका ना रूम का लुक चेंज करना चाह रही थी, बट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, लुक अच्छा नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने क्या किया, बच्चों ने मिलके फिर जो सामान जहाँ था मैंने उसको वहाँ पे कर दिया, ट्रंक जहाँ था उसको मैंने वहाँ पे कर दिया। फिर उसके बगल में जो फ्रिज था ना उसको भी मैंने वहाँ पे रखा। बस थोड़ा सा जो लुक चेंज हुआ है ना, वो जो फर्स्ट रूम है उसका मैंने लुक चेंज किया है, क्योंकि कूलर का तो अभी वैसे कोई काम है नहीं, तो उसको मैंने ना कवर करके और साइड में रख दिया है। और वॉशिंग मशीन जहाँ पे था वो वहीं पे ही है, उसको मैं तो जगह पे लगाऊंगी, क्योंकि ना कपड़े वॉश करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। और ट्रंक में भी ना निकाला मैंने, ट्रंक खाली किया तो एक काम भी हो गया, क्योंकि उसमें ना कपड़े बहुत सारे अस्त व्यस्त थे, तो वो मैंने अच्छे से ही सब सेटिंग करके और थैले में भर भर के मैंने इस तरह से उसको अरेंज कर दिया है, ताकि जो कपड़े हैं ना वो मैं एक थैला निकालूँ तो मेरे सारे जितने भी कपड़े हैं ना वो मैं निकल जाएगा उसमें निकल जाएगा। मैंने ना थैले में ना पेन से लिख दिया है कि किसमें मैंने क्या रखा है, तो इजी से निकल जाएगा। तो ये काम मेरा बहुत ही आसान हो गया, क्योंकि ये मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि करना है, बट टाइम नहीं मिल पा रहा था, ट्रंक खाली नहीं करने का मन कर रहा था, इस वजह से नहीं हुआ था। तो चलिए, लेनी का देनी तो पड़ गया है, यहाँ पर फिर वही करना पड़ा जो पहले था। और थकानी के साथ साथ मेहनत भी काफ़ी ज़्यादा पड़ गया, बट मैंने तो कोशिश की, बट नहीं परफेक्ट हुआ, तो फिर मैंने सब जहाँ के तहाँ रख दिया है। तो फिर अब यहाँ पे ना 4 बजे से मैं लगी थी और रात हो चुका था, तो ये काम तो मम्मी और मशीन को यहाँ कर दी, बाकी जो जहाँ था वही है, कुछ चेंजिंग है। और यहाँ पे मम्मा कूलर कर दी है, बाकी सब जैसे के तैसे है। और मम्मी यहाँ पे बर्तन उठा रही है, और मम्मी से पूछ लीजिए कि क्या हुआ। कुछ भी चेंजिंग नहीं हुआ ना, थक गई मैं, बिल्कुल परेशान हो गई, बट ना कुछ भी चेंजिंग नहीं हुआ रूम। इधर से करो उधर से करो, मैंने किसी भी एंगल से ना हो ही नहीं रहा था, परफेक्ट लग ही नहीं रहा था। तो फिर मैंने ना सब जैसे के तैसे किया, मेहनत तो बहुत ज़्यादा हो गया, थकानी भी बहुत ज़्यादा हो गया। बस थोड़ा सा लुक चेंज हुआ है कि मैंने ना कूलर को, क्योंकि अब तो कूलर में हवा लेना नहीं है, तो उसको मैंने कवर करके और एक जगह पर अस्थाई रख दिया है। और सिर्फ मैंने फर्स्ट रूम का बेड घुमा दिया है, बस इतना ही सारा चेंजिंग हुआ है, और कुछ भी चेंजिंग नहीं हुआ है। मैं ना थक गई, और हम ना 4 बजे से ही लगे हुए हैं, और अभी देखिए पूरा शाम हो गया है, बट अभी तक खत्म काम नहीं हुआ। अब मैं बर्तन उठा रही हूँ, उसके बाद मैं फ्रेश होने जाऊँगी। मैंने इंस्टाग्राम में एक भी रील नहीं बनाया, मैं तो सोची थी कि आज शाम को रील बनाना है, बट मैं ये काम में बिजी हो गई तो रील भी मैंने नहीं बनाया। और हाँ, आप ना मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, आप ना मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कर लीजिएगा।
और हाँ, सोनू ना दिवाली का डेकोरेशन बहुत अच्छे से करने वाली है, उसने सारा कुछ मतलब सेटलमेंट कर लिया है। तो आप ना वीडियो अगर जरा सा भी मिस नहीं करना चाहते तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा व्लॉग देखते रहने के लिए। और दिवाली डेकोरेशन स्पेशल होने वाला है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। अभी ना मैं फ्रेश हो चुकी हूँ, फ्रेश होके मैं आ चुकी हूँ और अभी तक मैंने चाय भी नहीं पिया है, तो अब मैं जा रही हूँ चाय बनाने के लिए। टाइम देखिए कितना बज गया है, 6:15 बज गया है। सुनिधि ने संध्या पाती कर दिया है, देखिए पूजा हो गई है, संध्या हो गई है और अब मैं जा रही हूँ किचन में चाय बनाने के लिए। सोनू ने ना थोड़ा सा लाइट लगाई है बाहर सोनू, बट ना वो जला नहीं है। अब इनके पापा आएंगे ना, तब देखते हैं चेक करके कि कहीं तार वगैरह तो नहीं छूट गया है। तो चलिए पहले चाय बना लेते हैं, उसके बाद ये देखिए ये ना पढ़ाई करने के लिए नहीं बैठेगा, ये दौड़ दौड़ के सिर्फ बाहर जाता है और मतलब पढ़ने का नाम ही नहीं लेता है। बाबू दीदी लगाई है लाइट बाहर में। चलिए फ्रिज से दूध निकाला मैंने। तो चलिए अब यहाँ पे तो हो चुका है रात का समय, 6:30 बज चुके थे और अब बनानी है चाय, क्योंकि पहले चाय पीऊँगी तभी फ्रेश लगेगा। तो चलिए मैं अपने लिए चाय बना लेती हूँ। और ये लोग किचन घुसने के बाद ना लगता ही नहीं है कि काम ख़त्म हुआ है, बस कुछ ना कुछ काम मिल ही जाता है, और ना करो तो फिर बिखरा हुआ किचन भी अच्छा नहीं लगता है। तो चलिए ये भी थोड़ा सा जो काम है वो मैं कर ले रही हूँ, साथ में ही और भी ढेर सारे काम करूँगी, डिनर की तैयारी करूँगी क्योंकि टाइम हो ही रहा है डिनर का। फिर थोड़ा सा बाबू के साथ नहीं बैठूँगी तो वो पढ़ेगा भी नहीं ना, तो थोड़ा सा डंडा लेके मुझे बैठना पड़ता है तभी वो पढ़ाई करता है, वरना सिर्फ बदमाशी करता है। तो आज ना डिनर में बन रहा है बैंगन टमाटर का भरता और लिट्टी। बैंगन और टमाटर ना मिला करके आज बनेगा भरता और लिट्टी बनेगा, गोल वाला लिट्टी बनेगा। तो अभी मम्मी डिनर की तैयारी कर रही है और यहाँ पे अनियन कट्स हो रहा है, यहाँ पे ये क्या है, सत्तू है। हाँ तो यहाँ पे सत्तू रेडी हो चुका है क्योंकि आज सत्तू के पराठे मतलब लीटी बनने वाला है ना, लीटी बनने वाला है। यहाँ पे ना मैं लीटियाँ सेक रही हूँ और ये देखिए ये लीटी सेक रही है ना, क्योंकि जो अप्पम है ना मेरा वो फुआ के यहाँ है तो मैं लेके नहीं आई। और यहाँ पे देखिए बनेगा ये आलू का चोखा और ये बनेगा बैंगन और टमाटर का भरता, जो मैं विलेज में बनाती हूँ ना उसी तरीके से मैं बना रही हूँ। तो इसमें ना मैं डाल रही हूँ नमक और इसमें ना मस्टर्ड ऑयल ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत ही अच्छा सा स्मोकी फ्लेवर आता है। और अब इसमें जाएगा ढेर सारा प्याज, मुझे अच्छा और ये जाएगा हरी मिर्च और ये जाएगा लहसुन। तो चलिए चोखा बना लेते हैं। और यहाँ पे ना मैंने रेसिपी आपके साथ शेयर नहीं की है क्योंकि ऑलरेडी मैंने चैनल में डाला हुआ है और फिर अब दोबारा बनाऊंगी क्योंकि ठंडे का तो सीज़न आ गया है और ठंड में तो ज़्यादातर लिट्टियाँ ही बनती हैं। तो मैं बनाऊंगी ना तो रेसिपी मैं अब की बार आपके साथ शेयर ज़रूर कर दूंगी। और मैंने विलेज स्टाइल चोखा बनाया है तो चलिए इसे फटाफट से सर्व कर लेते हैं। चुका है और हम जा रहे हैं खाने क्योंकि पापा अभी मीटिंग में हैं और अभी 9 बज चुका है। और हमने पापा से फ़ोन किया तो पापा बोले कि तुम लोग खाना खा लो, मेरा थोड़ा लेट होगा। और यहाँ पे सुबह मैसेज हो गया है। तो चलिए फ्रेंड्स आप भी डिनर कर लीजिए और आज का वीडियो यहीं पे एंड होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।